हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद ए न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है हमारी मुनार फारूकी और UK07 राइडर के रिलेटेड। तो मुनार फारूकी ने ट्रोल कर दिया UK07 राइडर को। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसा कि आपको पता हो कि UK07 राइडर काफ़ी सारी सुपर कार्स लेते हैं, जहाँ ये बोला जाता है कि उनकी कार रेंटेड रहती है, यानी कि भाड़े पे। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में मुनार फारूकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हुए दिखे, जिसका आप छोटी सी क्लिप देख लो। सो हाय दोस्तों, भाई क्या बोलते हो, व्लॉग बनाए क्या? बनाते तो दोस्तों, हम लोग भाड़े के विला पे, तो भाड़े की चीज पे व्लॉग बहुत चलता है, मैंने सुना है, तो व्लॉग बनाते। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है एलविश यादव के रिलेटेड। तो जैसा कि आपको बताओ कि एलविश यादव को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था मनीषा रानी और फुकरा इंसान के फैंस की तरफ से, क्योंकि जब वो अपने गेमिंग चैनल पे लाइव आए थे तो काफ़ी सारे मीम्स पे रिएक्ट कर रहे थे, जिसमें मोस्टली मनीषा रानी और फुकरा इंसान के मीम्स थे, जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगा। और उसका उन्होंने अपने ट्वीट के थ्रू रिप्लाई भी किया था, जहाँ इसके रिलेटेड वो अपने रिसेंट ब्लॉग में बात करते हुए दिखे, जिसके आप एक छोटी सी क्लिप देख लो। और इसको जो लोग अच्छे में मिले अच्छे में ले लें, जो लोग बुरे में लेना चाहते हैं वो तो अच्छी चीज़ को भी बुरे में लेंगे ही, तो बुरे में भी ले लेना, हु केयर्स एक्चुअली, मैं तो नहीं कम से कम। बट मेरे को एक चीज़ क्लियर करनी थी कि मैं कल लाइव आया अपने गेमिंग चैनल, उसमें क्या सीन हुआ, मैंने रिएक्ट करा बहुत सारे मीम्स पे, अच्छे बुरे जो भी मेरे को दिखा, मेरे को आता नहीं वो, जो मेरे को दिखा वो उस पर उस हिसाब से मैंने रिएक्ट करा। तो कई लोग हैं बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे का मतलब सच में बिना पढ़े लिखे, मतलब मैं मुंह से बोलने वाली बात नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सच में बिना पढ़े लिखे, जिनको समझ नहीं आता कि सामने वाला इंसान लाइव में बैठ के बोल क्या रहा है, तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहा है, उसको भी मैनिपुलेट करके वो लोग वो दिखा रहे हैं कि ही इज़ प्रमोटिंग दिस शिट, ही इज़ प्रमोटिंग दिस। देखो, मैं बहुत प्यार से आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखो तुम पे बाल भी नहीं फटना अपना, ये तो तुम्हें भी पता है। यू गाइज आर जस्ट कीबोर्ड वॉरियर्स, जो एक कीबोर्ड पे बैठ के अपने ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं। उम्र तुम्हारी 10-12 साल है, उससे भी कम होंगी, या फिर तुम किसी पीआर के बॉट हो, हु केयर्स। बट जो भी हो, तुम लोग देखो ठीक नहीं हो। किसके लिए ठीक नहीं हो? अपने घर वाले के लिए ठीक नहीं हो, जो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी एजुकेशन पर पैसा लगा रहे हैं, उनको वेस्ट मत होने दो। तुम्हारे लिए नहीं बना बेटा ये कीबोर्ड, और आधा अधूरी चीज़ें दिखा के इफ़ यू गाइस थिंक कि यू कैन मैनिपुलेट एनीबडी, कि वो देखो इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा, वो भी नहीं करा मैंने वैसे। तो देखो, मैं बहुत क्लियर शब्दों में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जाके वो वाली मेरी लाइव चेक करना, इसलिए चेक करना क्योंकि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे और आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है सौरभ जोशी के रिलेटेड। तो सौरभ जोशी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू फैन पेजेस और फेक अकाउंट पे गुस्सा होते हुए दिखे, जहां वो ये बोलते हुए दिखे कि उनको प्रॉब्लम नहीं है फैन पेजेस या फेक अकाउंट से, पर वो जो गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करते हैं उनसे उनको प्रॉब्लम है, जिसके आप छोटी सी क्लिप देख लो। मेरे को दिक्कत नहीं है फेक अकाउंट से या फिर फैन पेज से, बट ये पीयूष के नाम पे जो रील्स डालता है और उसमें ऊपर आप देखोगे तो पूरी प्रमोशन करता है, जो कि बैटिंग साइट्स की, जो कि बिल्कुल भी सीखने, हम कभी भी बैटिंग साइट्स प्रमोट नहीं करते, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में मैं कभी भी नहीं करता, चाहे कोई कितने पैसे दे। तो इस तरह से जो फेक लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाके रिपोर्ट करो इस अकाउंट को गाइस।